Hello and welcome back to another session of the online classes for Kids Heaven Public School, grade 9. We started with chapter 5, The Happy Prince, from the Book of Moments. Now we saw that the Happy Prince is a beautiful statue, okay? And he was gilded all over with gold and he had eyes for sapphires, which is a stone, okay? And a ruby that glowed in the hilt of his sword. So now we are seeing that we have a small bird, a swallow, that comes and alights on the statue. आगे देखते हैं. Okay. So जब Happy Prince उसे बताता है that there is an old woman जो कि गरीब है and उसका बेटा बीमार है, उसे बुखार है and उसे oranges चाहिए. लेकिन उसकी जो मदर है उसके पास कुछ नहीं होता सिवाय पानी के, इसलिए वो बच्चा रो रहा है. अब हैप्पी प्रिंस उस पक्षी को कहता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, ठीक है, उस पक्षी को कहता है, ये छोटी सी पक्षी, क्या तुम मेरी स्वॉर्ड में से वो हिल्ट निकाल कर उसे नहीं दे सकते? ठीक है, एज पर वो एक तरह से ऑर्डर करता है कि वो जो हिल्ट में रूबी है ना, पत्थर लाल रंग का हिल्ट में, उसके तलवार के हैंडल में, उसे निकाल कर उस औरत को दे आए, क्योंकि उसके जो पैर थे, उसके जो फीट थे हैप्पी प्रिंस के, वो फास्टेंड थे, मतलब स्टेचू जो होता है ना, अब वो तो गड़ा हुआ है वहां पर, वो हिल तो नहीं सकता ना. सो इसलिए वो उस स्वेलो को कहता है कि ये रूबी जो है ये दे आओ उस गरीब औरत को. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. अब swallow से जवाब देता है कि मेरा तो इजिप्ट में इंतजार हो रहा है, मेरे दोस्त वहां पर नाइल पे उड़ रहे हैं. अब नाइल क्या है, नाइल एक रिवर है, रिवर नाइल काफी फेमस रिवर है, एंड वहां पर जो उसमें लोटस फ्लावर्स हैं, वो जो मेरे दोस्त है वो उनसे बातें कर रहे हैं एंड वो सुन सो जाएंगे. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. अब प्रिंस जो है वो swallow से कहता है कि एक रात रुक जाओ उसके, मतलब कि उसके पास एक रात रुक जाए और उसका messenger बन जाए, मतलब उसके लिए ये एक दो काम कर दे. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. सब बताता है कि वो बच्चा जो है वो बहुत प्यासा है और जो माँ है वो बहुत दुखी है. I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. अब स्वालो कहता है कि मुझे लगता मुझे लड़के पसंद हैं एंड मुझे इजिप्ट जाना है. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. अब जब स्वालो हैप्पी प्रिंस की तरफ देखता है कि वो बहुत दुखी है, ठीक है, वो कहता है कि वैसे तो यहाँ बहुत ठंड है लेकिन मैं मान जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक रात रुकता हूँ और तुम्हारा मैसेंजर बन जाता हूँ. थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन. अब स्वेलो क्या करता है, जो प्रिंस की स्वॉर्ड होती है, उसकी तलवार है, ठीक है, उसके हैंडल में से, जिसे हम हिल्ट कहते हैं, उसमें से वो बड़ा सा जो पत्थर है रेड कलर का, रूबी, वो निकाल लेता है एंड अपनी बीक में, बीक मींस चोच, सो अपनी चोच में उसे पकड़ के एंड वो चला जाता है, वो उड़ जाता है और जो टाउन है, जो सिटी है, उसके ऊपर से उड़ता है. अब हम डेफिनेटली, हमें पता है कि पक्षी हवा में उड़ते हैं, ठीक है, घरों के ऊपर से, छतों के ऊपर से, सो ये कहने का तरीका है, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, ठीक है, मतलब शहर में सारे घरों के ऊपर से वो उड़ के जाता है. अब हमें पता ना वो कहाँ जा रहा है, उस गरीब औरत के यहाँ जिसका बेटा बीमार है. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it. But the seamstresses are so lazy. अब वो कहाँ कहाँ से गुजरता है हम देखते हैं. एक कैथेड्रल टॉवर होता है, ठीक है, कैथेड्रल टॉवर्स होते हैं जहाँ पर जो क्रिश्चियंस होते हैं वो अपनी प्रेयर्स करते हैं,
देन उसपे मार्बल एंजल्स, मतलब मार्बल एंजल्स की जो है ना उसपे बिल्डिंग पे स्कल्पचर्स बने हुए थे, मतलब उनके पुतले ही एक तरह से बने हुए थे उसपे। एंड फिर वो महल के पास से भी गुजरा था जहां पर उसे म्यूजिक की आवाज थी एंड नाच भी रहे थे लोग। ठीक है, एक सुंदर सी लड़की बाहर बेलकनी पे आती है एंड वो क्या कहती है, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी, कि उसकी जो ड्रेस है उसे उम्मीद है कि वो सही टाइम पे रेडी हो जाए। और उसने ऑर्डर किया था कि उस पे फूलों की कढ़ाई हो, लेकिन जो सीमस्ट्रेसेस हैं वो बहुत आलसी हैं, लेजी हैं। ठीक है, अगर आपको याद है तो देखें जो बूढ़ी औरत है वो सैटिन गाउन पे फूलों की एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, तो ये वही गाउन है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. अब देखें वो पानी पे से भी गुजरा था एंड वहां पर उसने क्या देखा, जो शिप्स थी पानी के जहाज उनके जो मास्ट थे, आपने देखा होगा जो शिप होती है उनके ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ होता है तिकोने शेप का बड़ा सा, वो मास्ट होता है। ठीक है, उसपे लैंटर्न्स थी। लैंटर्न्स क्या होती है, जिनमें हम जिनसे जिनमें तेल होता है ना हम उनको जलाते हैं रोशनी के लिए, लैंटर्न्स, उस पे लैंटर्न्स लटक रही थी। फाइनली खैर वो उस पुअर वुमन के, गरीब औरत के घर पहुंचता है और अंदर देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, शी वॉज सो टायर्ड। अब जो बच्चा था उसे बुखार था, सो टॉसिंग क्या होता है, करवटे बदलना, क्योंकि वो परेशान था। ठीक है, एंड जो मदर थी वो उसकी आंख लग गई थी, वो सो गई थी क्योंकि वो थक चुकी थी, टायर्ड मीन्स थकना। इन ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल। इन ही हॉप्ड, अब जो पक्षी होते हैं आपने देखा होगा जब वो चलते हैं तो कूद कूद के चलते हैं। ठीक है, उनके जो छोटे छोटे पंजे होते हैं वो हमारी तरह नहीं चलते, वो कूद कूद के चलते हैं। तो जो पक्षी का कूदना होता है उसे हम कहते हैं हॉप, HOP, हॉप। तो जो पक्षी था स्वेलो ये अंदर हॉप करता है एंड लेड द ग्रेट रूबी, सो जो ग्रेट रूबी वो अपनी पक्षी में पकड़ के लाया था टेबल पे रखता है। कहां पर, औरत की थिम्बल रखी होती है वहां पर। अब थिम्बल किसे कहते हैं, एक कवर होता है प्लास्टिक का जो कि उंगली पे पहना जाता है जब कढ़ाई करते हैं ताकि उंगली में सुई ना चुभे। ठीक है, तो उस थिम्बल के बराबर में वो रूबी रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली अराउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स। हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। अब वहां पर रूबी रखने के बाद जो स्वेलो होता है वो उस लड़के के बेड के पास जाता है। ठीक है, एंड उस लड़के का जो माथा होता है ना, फोरहेड माथा, सो ये स्वेलो जो है अपनी पंखों से, अपने पंख से, अपने विंग से हवा कर रहा था। अब लड़का कहता है कि मतलब यू नो उसे अच्छा लगा, उसे फील, उसे अच्छी हवा लगी एंड वो सोचता है कि शायद मेरी तबीयत बेहतर होने लगी है। और ये सोचते सोचते वो एक बहुत सुकून भरी नींद में चला जाता है, वो सो जाता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is cold. अब जब स्वेलो वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है, फिर कहता है कि बड़ी अजीब बात है, मुझे अब थोड़ा गर्म फील महसूस हो रहा है हालांकि बहुत ठंड है। ठीक है, स्वेलो कहता है कि मौसम तो ठंडा है लेकिन मुझे गर्म सा फील हो रहा है, गर्माहट फील हो रही है एंड ये काफी अजीब बात है। That is because you have done a good action, said the prince. And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. अब happy prince उसे कहता है कि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, तुम्हें ये गर्माहट, ये अच्छा सा फील हो रहा है। एंड जो लिटिल स्वेलो था वो सोचने लगा एंड सो गया। वो जब भी सोचता है उसे उसे नींद आ जाती है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight, I go to Egypt, said the swallow. जब सुबह होने लगी, ठीक है, तो swallow कहाँ जाता है? नीचे मतलब एक बाथ लेने जाता है, नहा के आता है। आपने देखा होगा पक्षी कैसे नहाते हैं, जैसे कबूतर है, अपने पंखों से अपने ऊपर पानी डालते हैं। ठीक है, एंड साथ में ही वो सोचता है कि आज रात तो मैं इजिप्ट चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जाऊंगा इजिप्ट आज रात, स्वेलो कहता है। ठीक है,
एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट। चले यहाँ पर एक इमेज है, इसे देखते हैं। ये है सीमस्ट्रेस जो गरीब औरत थी, ठीक है। एंड ये रहा इसका थिम्बल जो कि उंगली पे पहना जाता है, ठीक है। और ये है ग्रेट रूबी जो स्वेलो यहाँ रख के जाता है। ये है सैटिन गाउन जिसपे वो फूल की एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। ये हमारा स्वेलो है। एंड ये इसका बच्चा है जो बीमार है, जो लड़का बीमार है ना, इसका बुखार है, ये वो है जो यहाँ लेटा हुआ है। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। सो ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। अब जो स्वेलो था वो देखता रहा चारों तरफ, एंड जो मॉन्यूमेंट्स थे मतलब जो जानी मानी पुरानी बिल्डिंग्स थी वहां पर, उन सबको वो देख रहा था। एंड फाइनली वो जो चर्च होती है एक, उसके टॉप मोस्ट हिस्से पे, स्टिपल पे। चर्च क्या है? चर्च वो जगह होती है जहां पर जो ईसाई होते हैं वो अपनी वर्शिप के लिए जाते हैं। When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. अब खैर हैप्पी प्रिंस उसे कहता है कि इजिप्ट के लिए क्या करना है, तुम जा रहे हो। सो स्वेलो कहता है कि मैं अभी जाने वाला हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। अब प्रिंस उसे दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि क्या एक रात और रुक सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो। स्वेलो फिर उसे बताता है कि मेरा इजिप्ट में इंतजार हो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, far away across the city I see a young man in a garret. He is leaning over a desk with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write any more. There is no fire in the grate and hunger has made him faint. अब जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वेलो को एक और कहानी बताता है कि उसे दूर शहर में, सिटी में, एक जवान आदमी दिखता है, ठीक है। और वो जो है अपने डेस्क पे, डेस्क जैसे कि टेबल जिसपे हम रख के लिखते हैं, उसपे काफी सारे पेपर्स रखे हुए थे, ठीक है। एंड वो जो आदमी था उसपे झुका हुआ था, उसके साइड में एक ग्लास था जिसमें पानी में withered violets मतलब मुरझाए हुए फूल रखे थे। His hair is brown and crisp, उसके जो बालों का रंग था वो कथई था, एंड उसके जो होंठ थे वो लाल थे as a pomegranate. Pomegranate होता है अनार, so, अनार जैसे लाल थे उसके होंठ। He has large and dreamy eyes, और उसकी जो आंखें थी बड़ी बड़ी आंखें थी और उनमें बहुत सपने थे। तो वो क्या कर रहा था? He was trying to finish a play, वो plays लिखता था। जैसे हम स्टेज ड्रामा करते हैं ना, तो उसके लिए कहानी लिखी जाती है। सो जो जवान आदमी था वो प्ले लिख रहा था डायरेक्टर ऑफ द थिएटर के लिए, लेकिन इतनी सर्दी हो रही थी वो नहीं लिख पा रहा था। उसका जो ग्रेट था, ग्रेट वो जगह होती है जिसमें हम लकड़ी डालकर आग जलाते हैं घर के अंदर, ठीक है, गर्माहट के लिए। सो उसमें आग भी नहीं थी, एंड वो भूखा था, जिससे कि वो इतना मतलब थक चुका था, इतना भूखा था कि वो बेहोश हो चुका है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. Swallow कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा, ठीक है। Swallow का जो दिल था वो बहुत अच्छा था, देखें वो help कर रहा है ना। और फिर वो पूछता है happy prince से, क्या मैं दूसरी एक और ruby ले जाऊं उसके लिए, young playwright के लिए, मतलब जो वो play लिख रहा था वो आदमी। Alas, I have no ruby now, said the prince. Prince कहता है, oh, मेरे पास अब और रूबी नहीं है। My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires. उसे बताता है कि मेरी अब आंखें रह गई हैं, एंड वो बहुत खास पत्थर की बनी हुई है, खास नीलम पत्थर के बने हुए हैं। Which were brought out of India 1,000 years ago. और ये जो सफायर थे ना पत्थर, ये इंडिया से लाए गए थे हजारों साल पहले। एंड देन वी विल कंटिन्यू अहेड इन द नेक्स्ट वीडियो।